हेलो स्टूडेंट्स, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं और डेफिनेटली कि आपने अपनी स्टडी का लेवल अप कर दिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स रह जाते हैं जो आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सबसे पहला तो आपको एग्ज़ाम देते हुए उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, जैसे कि खाना टेस्टी बना होना ज़रूरी है, लेकिन उसको एक परोसने का भी तरीका होता है। अगर खाना ढंग से ना परोसा जाए तो हमारा मन ख़राब हो जाता है ना। तो उसी तरीके से आपको आंसर आता है, आपको आंसर पता है, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं लिखा तो फिर वो चेक करके मन में डेफिनेटली है एक नेगेटिविटी लेकर आता है। तो इसीलिए अपने आंसर को क्लियर लिखे, पॉइंट्स में लिखे, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखे, जितनी बात पूछी हुई है ऐवी मत घुमाओ फिराओ। अच्छी हैंडराइटिंग का ध्यान रखो, अगर आपकी हैंडराइटिंग में कमी है तो उसको इम्प्रूव करो, थोड़ा होल्ड ऑन करके लिखना शुरू करो। ये आपके हाथ की कहानी है, किसी और की हाथ की कहानी नहीं है। इसे अगर आपकी वजह से ख़राब हो रही है हैंडराइटिंग तो आप ही सुधारोगे। उसके अलावा डायग्राम जहाँ पे आप बना सकते हो वहाँ पे बना दो, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली आता है तो। लेबलिंग सारी नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी आती है वो सही करो। उसके बाद हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद एक लाइन ज़रूर खींचिए, फॉर्मूला को बॉक्स ज़रूर बनाइए। एक क्वेश्चन एंड हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, नंबरिंग प्रॉपर डालिए। इरिटेट मत करिए चेकर को, कभी पहला क्वेश्चन कर दिया, कभी चौथा कर दिया, कभी ये कभी वो। प्रॉपर एक सेक्शन नंबर लिखिए, वो अटैम्प्ट करें, फिर अगला सेक्शन वो अटैम्प्ट करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उसकी स्पेस छोड़ दो। आपको पता तो होता ही है कि इतने में आ जाएगा, मैं बाद में सोच के कर लूँगी, तो वो एक आइडिया लगा के छोड़ दें। लेकिन रफली मत जाइए, कभी वो कभी ये, नो, कटिंग कम से कम करें। कोई न्यूमेरिकल है, कोई कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि आप गलत कर सकते हो, तो पहले ही बेटा क्यों रिस्क लेना, आप साइड में मार्जिन तो होता ही है, वहाँ पर आप करके देख लो उसको, ठीक है। जितनी रिप्रेजेंटेशन आप अच्छी होगी, जितना इरिटेशन कम करोगे, जितना हंस हंस के पेपर चेक कर करेगा, हो सकता है कि अगर आपकी कोई गलती हो भी गई हो तो वो भी वो इग्नोर करते, लेकिन इरिटेट करोगे, फालतू की कटिंग्स की हुई है, फालतू का वही रिप्रेजेंटेशन की हुई है, वही पॉइंट वही लेंथ बनाई हुई है आपने, इरिटेट हो जाएगा आपका। सही होते हुए भी क्या होता है, वो नंबर काट रहे इरिटेट होकर। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है पढ़ना, उतना ज़रूरी है पढ़े हुए को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। बस यही कहना था, थैंक यू।